नमस्ते, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मूंग दाल कटलेट। मूंग दाल कटलेट बनाने के लिए हमने ये दो बड़े चम्मच मूंग की दाल ली है। इसको हमने भिगो दिया था 2 घंटे पहले। इसको हम इसमें डाल देंगे। इसका पानी हमने छान लिया है। हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसको भी हम दाल में डाल देंगे। आधा चम्मच हम डाल देंगे अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून डाल देंगे जीरा। स्वाद अनुसार नमक। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला। दाल और आलू को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे ब्रेड क्रम हमने बनाया है। ब्रेड को हमने मिक्सी में पीस लिया है। इसको हम डाल देंगे जितना ज़रूरत होगा। अब इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। सबको हमने अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा डो बना लिया है। अब इसके हम कटलेट बनाएंगे। अब इसके हम कटलेट बनाएंगे। हाथ में थोड़ा सा हम आयल लगा लेंगे। इसमें से थोड़ा सा आलू लेके आप मनचाहे शेप में बना सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से बना लीजिए। इसी तरह से हम सारे कटलेट बना के तैयार कर लेंगे। कटलेट बना के हमने सब रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम तलेंगे। ये ऑयल हमने पहले से रख दिया, गरम हो गया है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे।
इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे गोल्डन हो गए, गैस हम ऑफ कर देंगे और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। मूंग दाल कटलेट बनके हमारे रेडी हैं। आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।